और इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा। नवभारत एक्सप्रेस से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोहन यादव ने कहा कि राजनीति में राहुल बार बार फ्लॉप हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता आपकी पार्टी में प्रवेश ले चुके हैं। अभी हाल ही में गौरव वल्लभ जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे उन्होंने प्रवेश लिया, और भी इस तरह की बहुत सारी लंबी फहरिस्त है। दीपक सक्सेना आपके पास आए, क्या वजह सबसे बड़ी आप देख रहे हैं कि इतनी भारी तादाद में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं आपके पास? देखिए, ये हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए हमको तो आनंद होना चाहिए, दुख तो कांग्रेस के लोगों को मनाना चाहिए कि सालों तक जिनके साथ रहे। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, कितनी बेशर्मी से जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बजाय वो आत्ममूल्यांकन करने के, आत्म अवलोकन करने के, जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस के साथ खड़े होकर के 6-6 बार चुनाव लड़े और उनको आप बाद में गालियां दे रहे हो। कोई गद्दार बताता है, कोई नालायक बताता है, कोई माफिया बताता है, रेत माफिया कह रहे हैं, शराब माफिया कह रहे हैं। तो मेरा यही कहना कि क्या कांग्रेस अपने खुद के ऊपर गाली नहीं पकड़ी ऐसा बोल करके? जो 4-4, 6-6 चुनाव आपके साथ लड़े तब वो दूध के धुले थे, जब आपकी पार्टी छोड़ दी तो वो अपराधी हो गए। ये दोहरा स्टैंडर्ड जो कांग्रेस लेके चलती है, इसीलिए कांग्रेस की जनता में विश्वसनीयता कम हो रही है, जनता उन पर भरोसा नहीं करती है और जनता के बीच वो मजाक बनते हैं। मजाक की बात आपने की, राहुल गांधी मंडला आ रहे हैं और उससे पहले उनके स्टेज पर उनके प्रत्याशी के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते का फोटो लगा दिया, और जब पता चला मीडिया के जरिए उनको, तो आनंद फानंद में उस फोटो को हटाया गया और रजनीश का फोटो लगा दिया गया जो पूर्व विधायक है। अब देखो, आप ही ने कहा ना, कांग्रेस गंभीर है ही नहीं, ना चुनाव लड़ने में, ना लड़ाने में, ना किसी बड़े नेता की सभा कराने में। ये उसी का उदाहरण है भैया, आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़के खाली लड़ने के लिए लड़ना है या चुनाव जीतना भी? आपको अपने प्रत्याशी का फोटो मालूम नहीं, आप अपने प्रत्याशी का परिचय नहीं कराना चाहते हो, आप प्रत्याशी में भी भाजपा का देख रहे हो तो पहले ही मान के चल रहे हो कि चुनाव हार रहे हो। हम क्या करें इसके लिए? अब ये कांग्रेस को और कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि वो कितने गंभीर है चुनाव लड़ाने के लिए। ठीक है, राहुल गांधी मंडला आ जा रहे हैं, शहडोल आ रहे हैं और लगातार महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, साथ ही साथ जाति जनगणना की भी बात करते हैं, जाति जनगणना, ओबीसी आरक्षण, इसको लेकर के मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं, राहुल गांधी खुद 3-3 बार फेल हो गए, जब भी इनको लॉन्च करते हैं ये सक्सेस होते नहीं और बार बार मानते नहीं लोग कि ये नेता नहीं है। उनको विचार करना चाहिए कि उनको किस क्षेत्र में जाना है।